दोस्तों स्वागत है आपका एग्जॉटिक बर्ड चैनल इंडिया में। दोस्तों आशा करता हूँ आप और आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे और आप भी फिटफाट होंगे एकदम। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और दोस्तों रोजेला का सीजन आ चुका है, ब्रीडिंग सीजन अपना तो आ चुका है। अब कोई भाई कब बॉक्स देता है, कब अपने रोजेला को ब्रीडिंग के लिए तैयार करता है ये उसकी पता होगी। भाई मुझे तो अपना पता है, यार रोजेला का सीजन आ चुका है, ब्रीडिंग आने वाली है, बिल्कुल रेडी टू ब्रीड। तो दोस्तों अपने पास ब्रीड भी आ चुकी है रोजेला की और जितने भी ये रोजेला के पेयर पड़े हुए हैं दोस्तों केज बाय केज लग जाएंगे। ये थोड़ी गर्मी की वजह से एक केज में मैंने शिफ्ट कर रखे थे, एक पेयर मेरा नीचे है, जो नीचे वाला है उसने ब्रीड की है। तो दोस्तों इसने इस पेयर ने ब्रीड की है, फीमेल बॉक्स में बैठी हुई है, आप देख सकते हो वो मेल बॉक्स की तरफ झांक रहा है। इसने अंडे दे रखे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ये देखिए ये मेल है, फीमेल बॉक्स में बैठी है, अंडे दे रखी है और जितने भी ये सारे पेयर हैं ये सारे अब केज बाई केज ब्रीडिंग के लिए लगाए जाएंगे, इनको बॉक्स दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। तो ये आप देख सकते हो सामने मेरा एक पेयर और है और इसमें पहले अफ्रीकन ग्रे पड़ा था तो वो अफ्रीकन ग्रे बहुत परेशान कर रहा था, वो भी फीमेल ब्रीडिंग के लिए तैयार है। वो फीमेल मेरी पहले एक बार ब्रीड कर चुकी है, दूसरी बार ब्रीड करने वाली है। तो मैंने अफ्रीकन ग्रे को उसमें से निकाल लिया है और इस कॉलोनी में डाल दिया है। पहले मुझे ये डर था मेरे जो अफ्रीकन ग्रे हैं वो ये इसमें से गेट है तो मैं निकलूँगा बाहर जाऊँगा तो क्या पता किसी दिन भूल जाऊँ तो गेट खुला का खुला रह जाए, तो इस वजह से मैंने इसमें बाहर कर नहीं रहा था। पर लेकिन ये सबको परेशान कर रहा था, रेड रम को, रोजेला को और जितने भी बच्चे निकलते थे बजरी के उनके पैरों को खा जाता था, तो इस वजह से मैंने इसे वहाँ से निकाल लिया। और ये देखिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये कैमरे पे ज़रूर आते हैं, ये पुरानी आदत होती है बर्ड्स की, जब भी अगर कोई इंसान वीडियो बनाता है और आपका टेम बर्ड है तो वो अक्सर आपके फ़ोन पे और कैमरे पे है, अक्सर ज़रूर आता है। ये देखिए ये कारिस्तानी है पूरे, ये पूरी कॉलोनी में, इस वजह से मैंने वायर जो होती है केबल वो लगा दी है, ये इस पर खेलते रहते हैं झूलते रहते हैं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा वायर पड़ी थी ये, तो इस वजह से मैंने इसे ऐसे बांध दिया है, ये इस पर ही पूरा दिन खेलते रहते हैं। ये देखिए ये मैंने इस तरह लगा दी है, खूब फुल एंजॉय करते हैं इस कॉलोनी में, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। तो काफ़ी दोस्त बोल रहे थे कि आपकी थोड़ी आवाज़ कम आती है तो इस वजह से मैंने कूलर वगैरह बंद कर दिए हैं। तो ये हमारे अफ्रीकन ग्रे हैं, एक और दौड़ रहा होगा इधर उधर कोने में बैठा है वो। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारे जितने भी पेयर हैं अभी फ़िलहाल पाँच पेयर बन जाएंगे अब हमारे पूरे, तो अच्छी ब्रीड आएगी। ब्रीड जैसे ही आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। फीमेल वैसे अंडों पे बैठी है और उसने अंडे दिए हैं, तो ये हमारे रोजेला पैरेट हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, इनकी तो हम हमेशा वीडियो डालते ही रहते हैं। और दोस्तों एक भाई ने मुझे कमेंट की थी कि आपका सेटअप कहाँ पर है, मैं इन बर्ड को देखना चाहता हूँ, तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ उस भाई को कि मैं उन्हें अपना सेटअप नहीं दिखा सकता हूँ। क्यों नहीं दिखा सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी आई फ्लू चल रहा है, तो अभी आपको पता है बहुत ज़ोर से बीमारी चल रही है, तो बर्ड में भी दोस्तों बीमारी हो सकती है। जब बर्ड की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, इंसानों से बीमारी ख़त्म हो जाएगी, जो प्रॉब्लम चल रही है आँखों की, तब आप आगे देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँगा, मना नहीं करूँगा सेटअप दिखाने के लिए, बर्ड दिखाने के लिए,
कि कोई दोस्त किसी को शौक है बर्ड पालने का, देखने का, अक्सर मन रह जाता है, हमारा भी मन करता था किसी के यहाँ बड़े बड़े बर्ड देखें, पर लेकिन हम अब नहीं जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है रुदेला, तो इस वजह से किसी दोस्त ने मुझसे बोला है जैसे ही ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी मैं उस भाई को ज़रूर बुलाऊंगा अपने शेडअप को दिखाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारे आ गए था, कभी भी वीडियो बनाओ ये वीडियो नहीं बनाने देते हैं। ये देखिए एक सिर पे बैठा है, एक सिर पे बैठा है, एक कैमरे पे आना है, आपको दिखाता हूँ सिर पे कहाँ बैठा है। रुक जा अभी, रुक जा, आना मत, आना मत। तो दोस्तों वीडियो को यहीं बंद करते हैं, थैंक यू दोस्तों, बाय।